नमस्कार स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका दर्शकों आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसको सिर्फ महिलाओं से ही जोड़ा जाता है जी हाँ आज हम बात करने जा रहे हैं हार्मोनल इश्यूज पर और हार्मोन्स पर जिसको ज्यादातर जोड़ा जाता है जब भी किसी के दिमाग में हार्मोन्स की प्रॉब्लम आती है तो सोचा जाता है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ का इशू होगा या फिर पीरियड्स का कोई इशू होगा तो इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कि आखिर हारमोन्स क्या होते हैं हारमोन्स का इम्बैलेंस होने का असर क्या सिर्फ महिलाओं पर ही पड़ता है या पुरुषों पर भी पड़ता है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंचरेस्ट एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन जी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका पीएफ से हिंदी चैनल पर नमस्ते जी सर आज का जो टॉपिक है हार्मोन्स बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है तो आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि ये हार्मोन्स क्या होते हैं जी बहुत बढ़िया एमबीबीएस के दौरान फर्स्ट ईयर में जी जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं फिजियोलॉजी मतलब हमारे शरीर के ऑर्गन्स इंटरनली काम कैसे करते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है तो बात आती है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम है एक नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा ब्रेन और एक हमारा हार्मोनल सिस्टम ग्लैंड जब हमें क्विक एक्शन लेना है जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमें कहीं पर कांटा चुप गया तो तुरंत हमारा हाथ पीछे जाता है तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन होता है और जहाँ पर रिलेटिवली लंबे समय के लिए कंट्रोल चाहिए वहाँ पर हार्मोन होते हैं तो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट करने के लिए होते हैं इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि समाज को चलाने के लिए शासन व्यवस्था के लिए मंत्री भी होते हैं और ऑफिसर भी होते हैं ऑफिसर परमानेंट होते हैं मंत्री पाँच साल के लिए या थोड़े समय के लिए होते हैं शरीर में हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए जो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल ग्लैंड का सिस्टम है ये ठीक रहे जरूरी है हार्मोन और हार्मोनल ग्लैंड्स तो हमारे शरीर में कई सारे हैं ऊपर से लेकर अगर हम देखना शुरू करें उप तो ब्रेन में हमारा दो हार्मोनल ग्लैंड है प्यूटरी और पीनियल फिर हमारे गले में है थायरॉइड फिर थाइमस होता है पैंक्रियाज है किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है और पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरी। तो इतने सारे हार्मोनल ग्लैंड हैं सभी का ठीक से काम करना काम करते रहना जरूरी है जब हम हार्मोनल इश्यूज बोलते हैं तो वास्तव में कोई भी हार्मोन की समस्या हो सकती है लेकिन महिलाओं में पीरियड प्रॉब्लम को लेकर जो कॉमन है बहुत महिलाओं को पीरियड की प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी पीरियड प्रॉब्लम अगर वो क्रोनिक हो बार बार होती हो तो हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकता है आज के भागदौड़ की जिंदगी में जब हम हेल्थ को उतना महत्व नहीं देते हम मोबाइल को अधिक महत्व देते हैं हम धन को पैसे को अधिक महत्व देते हैं हम रिश्तों को महत्व कम देते हम अपने आप को महत्व कम देते तो जब हमारा जीवन जीने का ढंग बदलेगा तो फिर समस्याएं तो आएंगी रोग तो आएंगे रोग पहले भी थे लेकिन अब हमारा जो जीवन देखने का दृष्टिकोण है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हमें समझने की और अपने ध्यान रखने की जरूरत है सर आपसे जानना चाहूंगी क्या जो जितनी भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं क्या सारी हार्मोन्स की वजह से ही होती हैं ज्यादातर हार्मोन की वजह से होती हैं खासकर वो बार बार अगर बार बार हो रहा हो तो फिर यस हार्मोन का ही वो डिस्टर्बेंस है तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि अगर हमें कुछ जो भी प्रॉब्लम हो रही है कि ये हार्मोन्स की वजह से हो रही है हार्मोन के सिस्टम को हमें समझने के लिए अब ओवरी से निकलता है और प्रोजेस्ट्रॉन, जो पीरियड का की जो बात है उसमें फोर्टीन डे पर ओवर, ओवलेशन ओवुलेशन होता है ओवुलेशन मतलब अंडे का निकलना तो जो पीरियड है जो पांच दिन का बेस्टल फ्लो है वो वास्तव में सेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियल लेयर है कि अगर प्रेगनेंसी ठहरती तो फिर वो काम आता उसके लिए एक जो भविष्य में शिशु आने वाला है उसके लिए इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर जो इंटरस है इंडोमेट्रियम है वो अपने को फिर से रिफ्रेश करता है और तो वो ब्लीडिंग प्रोसेस है तो यहां पर इस्ट्रोजेन और पोजेस्टोरॉन दो हार्मोन होते हैं जो ओवरी से आते हैं उनका सबसे अधिक महत्व है इस्ट्रोजेन और पोजेस्टोरॉन के अलावा सिर्फ स्ट्रोजन और प्रोजेस्टोरॉन का महत्व तो नहीं है मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो महिलाओं में भी है लेकिन बस उनका जो रेशियो है वो काफी कम होता है स्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अधिक होते हैं अब इस्ट्रोजेन और पोलेट्रॉन के सेक्रेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में सबसे मेन ग्लैंड है। लेकिन ये सभी ना हार्मोन ग्लैंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर कोई भी चीज गड़बड़ होगी दूसरी समस्याएं आने शुरू हो जाएंगी हम समझिए कि कई सारे लोग एक साथ हाथ जोड़कर सर्कल बना के खड़े हो अगर किसी भी व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ेगा तो दूसरों पर भी प्रभाव जाएगा लेकिन चूंकि पीरियड ज़्यादा दिखता है ज़्यादा समझ में आता है तो उसके लिए हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं लेकिन दूसरी समस्याएं भी अगर आपका वेट कम या ज़्यादा है खासकर ज़्यादा वेट ज़्यादा है ज़्यादा जा, कॉमन होता है तो वो दिक्कत हो सकती है बाल अगर आपके हेल्दी नहीं है एक्स्ट्रा हेयर फॉल थोड़े बहुत दो चार बाल का गिरना कोई डिजीज नहीं होता अगर ज़्यादा बाल गिरते हैं तो फिर वो थाइरोड का वीकनेस या टेस्टोस्टेरोन का अधिक होना हो सकता है मूड स्विंग होना नींद का कम आना अपने काम में मन नहीं लगना थका थका फील करना ये सब का अगर कारण हो तो ये हार्मोनल इश्यूज हैं। हार्मोन कोई भी हार्मोन सिर से लेकर हमारे पेट तक और टेस्टिस तक कहीं भी हार्मोनल अगर हार्मोनल ग्लैंड अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो हार्मोनल इशू हो सकता है टेक्निकली तो थायरॉइड भी एक हार्मोनल ग्लैंड है पैंक्रियाज का इंसुलिन भी एक थायरॉइड ग्लैंड है एक हार्मोनल ग्लैंड है हार्मोन है हमें हार्मोनल ग्लैंड को प्रॉपर समझना चाहिए पीरियड इशू के अलावा दूसरी समस्याएं भी हार्मोन की हो सकती हैं लेकिन हाँ पीरियड ज्यादा कॉमन पीरियड इशू ज़्यादा कॉमन है वो उसके बारे में हम थोड़े ज्यादा सजग होते हैं क्योंकि वो दिखता है पीरियड पीरियड साइकिल पेन तो हम उसके ज्यादा कंसर्न होते हैं लेकिन हमें अपने शरीर के हर एक अंग के लिए सजग रहना चाहिए सर ये तो बात रही महिलाओं के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि पुरुषों में हार्मोनल इम्बेलेंस के वजह से क्या दिक्कतें आती हाँ, हैं पुरुषों में भी हार्मोनल ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है महिलाओं में पीरियड दिखता है इसलिए वो वहां पर बात है पुरुषों में भी होता है यहाँ तक कि जो मेनोपॉज उसके लिए भी पुरुषों में भी हार्मोनल सिस्टम चेंज होते हैं और वहाँ पर टर्म है एंड्रोपोज पैंतालीस साल पचास साल की उम्र में हार्मोन में ज़बरदस्त शिफ्ट आता है ख़ासकर टेस्टोस्टेरोन में टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो टेस्टी से निकलता है उसका रेशियो काफ़ी कम हो जाने से हमारे काम में मन नहीं लगना एनर्जी का लो फील होना मूड का स्विंग होना कभी कभी डिप्रेशन की स्थिति भी आ सकती है अगर ज़्यादा महिलाओं में और पुरुष में दोनों में ही होता है अगर पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो उससे डिप्रेशन आ सकता है महिलाओं में स्ट्रोजन अगर कम हो जाए तो उससे डिप्रेशन आ सकता है महिलाओं में और पुरुष में दोनों में समस्या होती है और हार्मोनल ग्लैंड चूंकि बहुत सारे हैं तो बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं वेट गेन भी है डिप्रेशन भी है मूड स्विंग भी है थकान का भी होना है हमारे सेक्सुअल लिबिडो में कमी हो जाती है कई तरह के प्रभाव शरीर में आ सकते हैं सर जैसे कि आपने बताया कि कई तरह के हार्मोन्स होते हैं कई तरह के ग्लैंड से निकलते हैं तो प्रमुख जो होते हैं मुख्यतः जो जिनको मेन माना जाता है वो कौन कौन हा। से हार्मोन्स होते हैं हमारे अध्यात्म में हमें पता है कि हमारे भीतर सात चक्र है तो ये जो चक्र है ये हार्मोल ग्लैंड से कोरिलेशन में है या फिर कहें कि हार्मोनल ग्लैंड जो है वो कोई चक्रा कोई। के में है तो सात चक्र है तो वैसे हम सात ग्लैंड को हम समझ लें है तो पीनियर ग्लैंड पीनियर ग्लैंड जो है वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को, को रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने का मतलब कि समय पर भूख लगना और समय पर नींद आना समय पर नींद का खुल जाना अगर समय पर जो चीज होना चाहिए अगर वो नहीं हो रहा इसका मतलब आपकी घड़ी खराब हो गई है आपके शरीर की जो इंटरनल घड़ी है वो खराब हो गई है सोने का जो समय होता है रात में दस बजे ग्यारह बजे अगर उस टाइम में आपको नींद नहीं आ रही बहुत लोग बोलते हैं नींद नहीं आती है आपकी आपकी घड़ी इंटरनल घड़ी खराब हो गई है तो ये बाल क्लॉक को रेगुलेट कौन करता है हमारा पीनियल ग्लैंड पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन और जब रात में हम सो रहे होते हैं मिडनाइट उसका सिक्रेशन होता है और सबसे खास वो दो बजे होता है तो उस समय हमें नींद में होना चाहिए हमें अंधेरे में होना चाहिए तभी वो मेलाटोनिन प्रॉपर निकल पाता है तो पीनियर ग्लैंड हो गया हमारे सबसे ऊपर के चक्र से जुड़ा हुआ फिर पिटोट्री ग्लैंड है हमारा जो थर्ड आई है ये पिटोट्री ग्लैंड ये पिटोट्री ग्लैंड जो है ये मास्टर हार्मोनल ग्लैंड है हमारी बॉडी में जितने भी नीचे हार्मोनल ग्लैंड्स हैं हमारा थर्ड आई इससे जुड़ा हुआ ग्लैंड उनको रेगुलेट करता है थायरॉइड को, को भी करता है पैंक्रियाज को भी करता है एड्रल को भी करता है टेस्टिस और ओवरी को भी करता है ये प्यूट्री इतना वर्सेटाइल इतना प्रमुख हार्मोनल ग्लैंड है लगभग दस तरह के हार्मोन निकलते हैं एक छोटी सी प्यूटरी से, से। अध्यात्म थर्ड आई महत्वपूर्ण है और मेडिकल साइंस में प्यूट्री ग्लैंड महत्वपूर्ण है ग्लैंड के बाद हम थोड़ा नीचे उतरते हैं यह हमारे गले में है विशुद्धि चक्र और यहां पे है ग्लैंड के भी बहुत सारे काम है मेटाबॉलिज्म में हर तरह के मेटाबॉलिज्म को एनाबॉलिज्म को और कैटाबॉलिज्म को वो प्रभावित करता है एनाबॉलिज्म मतलब शरीर में कुछ निर्माण की प्रक्रिया और कैटाबॉलिज्म जब टूटने का प्रोसेस होता है जैसे डाइजेशन है वो माइक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं थारॉयड का रोल है थाइमस का रोल है वो इम्यूनिटी के लिए होता है टीनेज तक एज तक पेंक्रियाज है पेंक्रियाज तीन तरह के हार्मोन निकालता है इंसुलिन ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन एक ग्रोथ हार्मोन है हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी होता है इंसुलिन थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो गया है डायबिटीज की वजह से इंसुलिन के अलावा तो भी और भी हारमोन हारमोन निकलते हैं के माध्यम से बल्कि इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्गन है इंसुलिन ग्लूकोज को अंदर ले जाता है और अगर जरूरत पड़े तो ग्लूकागोन सेल से बाहर ग्लूकोज को लेकर आता है अगर कुछ सेल्स ने ज्यादा ग्लूकोज खा लिया हो शरीर के दूसरे सेल्स में ग्लूकोज की जरूरत हो तो ग्लूकागोन ग्लूकोज न्योजेनेसिस करता है फैट से कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को इंसुलिन है ग्लूकाकोन है पैंक्रियाज से है ये सभी मुख्य मुख्य हार्मोन ग्लैंड्स की बात हो रही है इसके अलावा छोटे छोटे काम बहुत सारे हमारे हार हमारा हार्ट भी हार्मोन बनाता है हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल इपिथेलियम में भी अलग अलग हार्मोन्स होते हैं हमारे मुंह में जो सलाइवा है इस सलाइवा को रेगुलेट करने के लिए भी हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं लेकिन ये कम महत्वपूर्ण है जो मेजर हार्मोनल ग्लैंड है वो सात है पीनियल प्यूट्री थायराइड, थाइमस पैंक्रियाज एड्रीनल हमारे किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन बनाता है खासकर फाइट और फ्लाइट के लिए एंड्रोस्टोरॉन एंड्रोजेंस जब हमें कभी दौड़ना हो जब हमें भागना हो तेज काम करना हो तेज जाना हो अपनी जान बचाना हो तो उस समय हमारे एडिनल ग्लैंड बहुत अच्छा काम करता है वहां से भी पांच छह हार्मोन निकलते हैं फिर टेस्टिस और ओवरी है जो रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए है रिप्रोडक्टिव पर्पस के अलावा भी जनरल मेटाबॉलिज्म में भी थोड़ा बहुत रोल उनका है जैसे फैट डिपोजिशन है अगर स्ट्रोजेन और प्रोजेस्टोरॉन डिस्टर्ब होंगे तो फैट के लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं फैट का डिपोजिट अलग अलग जगह पर बॉडी में डिपोजिट हो जाना तो इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टोरॉन और थोड़ा बहुत टेस्टोस्टोरॉन भी अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो फैट का डिपोजिशन हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएगा फिर हम उसको एक्सरसाइज से रेगुलेट करना चाहते हैं बिल्कुल हम एक्सरसाइज से भी हम करें लेकिन जो पहले के जो फैक्टर हैं उसको तो हमें ठीक करना होगा और हार्मोन भी एक तरह का फिजिकल लेवल ही है हार्मोन हमारे शरीर में किन चीजों से प्रभावित होते हैं तो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि हमें अभी ये काम करना है तो ब्रेन हमारा हेल्दी रहना चाहिए और ब्रेन और माइंड माइंड और ब्रेन माइंड जो है सॉफ्टवेयर है ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर ठीक रहे तब तो हमारा हार्डवेयर ठीक रहेगा तो हमारा ब्रेन हेल्दी कैसे रहे इसके लिए हमें चिंतन मन करना चाहिए हमें अपने जीवन में ध्यान को अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहिए अगर माइंड में स्ट्रेस है तो, तो फिर उसका प्रभाव ब्रेन पे जाएगा और ब्रेन पे जाएगा तो फिर बाकी हार्मोन ग्लैंड्स पे जाएगा मन में तनाव एक कारण है हार्मोन के डिस्टर्ब हो जाने का और एक बड़ा कारण है हमारी दिल और दिमाग में संतुलन और सामंजस्य एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अगर हमारी बॉडी में जो अलग अलग महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक होना चाहिए अगर चार पहिए की गाड़ी है तो चारों पहिए में इक्विलेटरल इक्वल हवा होनी चाहिए एक में कम होगा एक में ज्यादा होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी डिस्टर्ब दिक्कतें आएंगी हमारा ब्रेन कुछ और कह रहा हो हमारा दिमाग कुछ और कह रहा हो इसको कहते हैं हार्ट ब्रेन कोहरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन को ठीक रखने के लिए और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसका रोल है आपका दिल जो सोचता है आपका दिमाग भी वही सोचे दिल और दिमाग एक दिशा में एक तरह से काम करें अगर कंफ्लिक्ट होगा भीतर में द्वंद होगा कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं तो समस्या तो आएगी हार्मोन तो डिस्टर्ब होंगे ब्रेन कह रहा है कि अभी मुझे सोना चाहिए दिल कह रहा है कि अभी मुझे आराम करना है और ब्रेन कह रहा है नहीं पैसा कमाना जरूरी है अभी काम करना है तो सिग्नल तो फिर सिस्टम तो कंफ्यूज होगा प्रॉब्लम आएंगी हम इस तरह का जीवन जिए एक तो हम शांत रहे रिलैक्स रहे तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की तरफ से तनाव है नहीं तनाव हम समाज में दूसरों को देखते हुए अपने जीवन में हम कंपैरिजन कर, कर के पैदा कर लेते हैं क्या जीवन में जरूरी है कि हमारे पास यही इतना ही पोजीशन होना चाहिए बैंक में इतना ही बैलेंस होना चाहिए जो आप जीवन में कर पा रहे हैं वो खुशी से करें जो जीवन में मिले वो स्वीकार करें भगवत गीता में आता है कि हम अपना कर्म करें लेकिन फल के बारे में ना सोचें आसान नहीं होगा बहुत लोगों के लिए लेकिन जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन से बीमारी और समस्याएं दूर भी नहीं होंगी समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से हम अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं जैसे चुटकी बजाना आसान है वैसे अपने आप को हेल्दी करना आसान है लेकिन कुछ मूलभूत बातों को समझना और जीवन में उतारना जरूरी है हार्ट ब्रेन कोहरेंस अपने दिल की सुनें दिल और दिमाग में कन्फ्लिक्ट है तब काम मत करें ध्यान में बैठे अपने जीवन में क्लैरिटी लेकर आए उसके बाद ही काम करने जाए अगर अनमने मन से काम करते हैं एक आवाज आपके भीतर एक आवाज़ कह रही है कि ये करो दूसरी आवाज़ कह रही है ये करो कभी आप इधर करेंगे कभी उधर करेंगे एक काम करते करते दूसरा काम के बारे में सोचेंगे कंफ्यूजन में रह के काम करेंगे तो हारमोन तो डिस्टर्ब होंगे ही अपने आप से प्यार करना सीखें एक और पहलू माइंड के तल पर सेल्फ लव खासकर महिलाओं में जो पीरियड की बहुत सारी इश्यूज होती हैं बहुत बार वो सेल्फ लव की कमी से होता है अपने आप को रेस्पेक्ट कम देना हम दूसरों से रेस्पेक्ट चाहते हैं लेकिन हम खुद को ही खुद को रेस्पेक्ट नहीं देते हम खुद को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने दिल की आवाज़ सुने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने जो अच्छा लगता है वो करें आप स्वयं का सम्मान करें अकेले हैं मैं एग्जाम्पल से बताता हूं अगर परिवार में चार लोग हैं तो उनके भोजन के लिए व्यवस्था करेंगे लेकिन अकेले हैं तो फिर कुछ भी खा खा पी कर अपना काम निकाल लेंगे तो ये तो प्यार नहीं हुआ अपने आप के लिए दूसरों के लिए जितना आप केयर करते अपने लिए भी तो उतना केयर करें सेल्फ लव अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है लुई है को हम पढ़ें हम ध्यान को अपनाएं समझे अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना उसे फॉलो करना अपने आप को कभी भी खुद से नीचा ना करें और दूसरों को नीचा करने ना दें अपना स्वाभिमान बनाए रखें लेकिन स्वाभिमान लेकिन रेस्पेक्ट के लिए कोई लड़ने की भी जरूरत नहीं है यहां पे एक अध्यात्म का एक पहलू है कि हम अपने आप को जिस नजर से देखते हैं उसी नज़र से दूसरा हमें देखता है बहुत लोगों को यह बात समझ में नहीं आई ये कैसे अगर आप खुद को इज्जत दें तभी दूसरा आपको इज्जत देगा अगर आप खुद को प्यार करें तभी कोई दूसरा आपको प्यार दे सकता है नहीं तो दूसरों का प्यार में जलसी आ जाएगी अटैचमेंट आ जाएगा मोह होगा अन, अन इेशनल डिमांड्स होंगी लव तो अनकंडीशनल होता है लव में मांग नहीं होती अगर मांग है तो वो लव नहीं है फिर वो बिजनेस है तो हम लव रिलेशनशिप में डिमांड रखते हैं तो वो बिजनेस है अगर हम खुद से प्यार करते हैं तभी हम हेल्दी वे में प्यार दे सकते हैं और प्यार ले सकते हैं बहुत बार प्यार हमें लेना नहीं आता कभी कोई गिफ्ट दे रहा हो हम बोलते नहीं 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 चाहिए भीतर से मन आ रहा हो कि ये तो अच्छा है मैं ले लूं लेकिन हम सोशल फॉर्मेलिटी निभाते हैं अरे खुलकर दे और खुलकर ले जब हम खुलकर देते हैं खुलकर लेते हैं तब आपका हार्ट हैप्पी रहता है और हैप्पी हार्ट ही हेल्दी होता है हार्ट भी एक हार्मोन रिलीज करता है ए हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोन ग्लैंड हैं। तो हमारा ब्रेन हेल्दी रहे और दिमाग और दिल में सामंजस्य रहे तब हार्मोन ग्लैंड स्वस्थ रह सकते हैं समाज में बाहर से आप रेस्पेक्ट की उम्मीद ना रखें पहले आप खुद से खुद को रेस्पेक्ट दें खुद को प्यार दें अगर आप खुद को प्यार देते हैं खुद को प्यार करते हैं तो आपको बाहर भी प्यार मिलेगा सम्मान मिलेगा मांगने से पहले आप खुद को तो, तो दें। लुई है कि सेल्फ लव में ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है सेल्फ लव सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ लव में एक बात पहलू और भी है कि अननेसेसरी का हम अपने आप को नीचा ना करें अपने आप को कमजोर ना समझें बहुत सारी महिलाओं को लड़कियों को लगता है कि समाज में उनकी पुरुषों की अधिक चलती है पुरुषों का डोमिनेंस है। हो सकता है ये बात हुई बहुत सच भी हो लेकिन हम अगर उसको सोचते हैं हम उसके बारे में चिंतन चिंतन करते रहते हैं तो हमारे शरीर पर वो हावी होता है और हम अपने आप को छोटा समझते हैं आप खुद से अपने आप को छोटा ना करें अपने अंदाज में अपने अपने स्टाइल में जिंदगी को जिए जब आप खुल कर जिएंगे, अपनी बातों को रखेंगे तो बहुत संभावना है कि आपकी बातों को भी स्वीकार किया जाएगा अपने आप को हम छोटा समझते हैं अपने अपनी भारसल फ्रिक्वेंसी को हम गिरा लेते हैं और जब हम खुद को गिरा लेते हैं फिर तो दूसरा हमें गिरी हुई नजरों से देखेगा ही छोटी नज़रों से देखेगा ही दूसरों के नज़रों में हम बेहतर दिखें उससे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद की नजरों में हम बेहतर दिखें सेल्फ लव अपना सम्मान करें आपना रहने दें अपने आप से प्यार करें जितना आप गेस्ट का केयर करते हैं, उतना ही केयर आप अपने करें अपनी करें अकेले भी रहते हैं तो भी अपना ऐसा ही केयर करें कितनी बार ऐसा होता है कि अगर कहीं जाना है तो स्नान करेंगे अगर छुट्टी है नहीं जाना तो स्नान नहीं करेंगे ये क्या बात हुई क्या आप अपने आप को खुश रखने के लिए आप अपने आप को स्नान नहीं करें अपने आप को तैयार नहीं रखें क्या सिर्फ दूसरों के लिए ही आपको अच्छा रखना है अपने आप के लिए भी अपने आप को अच्छा रखें सिर्फ लव में यह सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है जब हम इन सभी बातों का ध्यान रखें तो हमारे हार्मोन भी ठीक रहेंगे हमारा पीरियड इश्यू भी ठीक रहेगा हारमोन हम एनर्जी पॉइंट्स पर पॉइंट्स पर भी आएंगे लेकिन हमें अपने सोचने के तरीके में अपने जीने के तरीके में ये बदलाव करना जरूरी है बिना ये बदलाव किए अगर सिर्फ हम एक्यूप्रेशर भी करने लग जाएं एक्यूप्रेशर और माइंड में माइंड ज्यादा पावरफुल है माइंड ज्यादा सूक्ष्म है माइंड ज्यादा गहरा है एक्यूप्रेशर के साथ साथ अपने सोचने के एटीट्यूड में बोलने के एटीट्यूड में भी चेंज लाना ही होगा तभी पूरी तरह से हम ठीक हो सकते हैं सर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर बात करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है क्या वो प्राणा या फिर ऊर्जा की कमी की वजह से भी होता है बिल्कुल तो इसको फिर किस हाँ। तरह से समझे और ऊर्जा और प्राण के द्वारा इसको किस तरह से कम या फिर ज्यादा या बैलेंस में करें जो हमारे चक्र है जी। वो ऊर्जा के केंद्र है प्राण ऊर्जा के केंद्र है जी। हमारे शरीर भात नाड़िया है और सबसे केंद्र में इड़ा पिंगला सुसुमना है सुसुमना नाड़ी में ही मुख्य रूप से ये चक्र है पिंगला का भी कनेक्शन है पिंगला जहां पर क्रॉस करती है सुसुमना को तो तीनों का जो जंक्शन है वो चक्र है तो प्राण ऊर्जा का की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो चक्र प्रभावित होते हैं और चक्र से ही जुड़े हुए हमारे हार्मोनल ग्लैंड से तो हमें अपने चक्रों को संतुलित रखना है अपनी प्राण ऊर्जा को संतुलित रखना है तो प्राण ऊर्जा का संचार ध्यान के दौरान होता है और गहरी नींद में होता है रात में कोई आठ दस मिनट के लिए हमारे शरीर में बहुत अच्छी प्राण ऊर्जा का संचार होता है जब हम कहते हैं कि आज गहरी नींद आई और आज गहरी नींद नहीं आई आज अच्छी नींद नहीं आई वो वास्तव में वो रात में छोटा सा फेज होता है हमारी नींद गहरी आए इसके लिए हमें समय पर सोना इंपॉर्टेंट है सोने से आधे घंटे पहले एक घंटे पहले अपने मोबाइल को आप यू प्रयोग करना बंद कर दें मेडिटेशन करते हुए नींद में जाए तो आपकी नींद अच्छी रहेगी हमारे जीवन में हर दिन कम से कम एक घंटे का ध्यान तो होना चाहिए अगर दो घंटे के ध्यान में बैठे तो और भी अच्छी बात है तो ध्यान अगर हमारे जीवन में रेगुलर हो तो प्राण ऊर्जा अच्छी रहेगी हमारे सुसमना नाड़ी में प्राण ऊर्जा बढ़, बढ़ती रहेगी ग्लैंड है, है वहां से एनर्जी हमारे भीतर आती है और सभी चक्रों में सभी ग्लैंड से होते हुए पूरे शरीर में बहती है प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें ध्यान को अपने जीवन में नियमित रूप से रखना है तो हमारे सुसुमना नाड़ी जो है वो प्राणवान ऊर्जावान रहेगी और साथ ही साथ थोड़ा हमें प्रकृति के संपर्क में रहना है सेंट्री लाइफ स्टाइल हमारे लिए अच्छी बात नहीं है बीच बीच में हमें पार्क में जाना चाहिए हमें टहलना चाहिए हमें उगते सूरज को देखना चाहिए अगर आपके घर में ऐसी सुविधा हो घर में छत में या पार्क पे आप उगता सूरज या सूर्योदय के एक घंटे के भीतर का सूरज देख सकते हैं तो आप उनसे देखा करें रोज नहीं देख सकते तो हफ्ते में कम से कम तीन दिन के लिए पांच दिन के लिए ऐसा किया करें अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बहुत संभावना है कि आपकी प्राण ऊर्जा इससे संतुलित रहेगी जो लोग सुबह पे जगते हैं ना उनके लाइफ में डिप्रेशन नहीं आ सकता आप आजमा करके देख लीजिएगा जिनको भी डिप्रेशन के कभी लक्षण आ रहे हो आप सिर्फ सूर्योदय सु, से पहले जगने की आदत डाल लें आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा सूर्योदय से पहले जगना और सूर्य के सामने जाना पांच मिनट के लिए दस मिनट के लिए पंद्रह मिनट के लिए सूर्य प्रकाश में रहना सूरज को आप देख भी सकते हैं या सूर्य प्रकाश में आप वॉकिंग कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं सूर्य प्रकाश हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है रोज ना सही सप्ताह में कम से कम तीन दिन के लिए उगते सूरज को या एक घंटे के भीतर के सूरज को देखें आराम से प्यार से वहां पर बैठे रहे सूर्य की रोशनी आपके बहुत सारे हार्मोनो को एक्टिवेट कर देगी ध्यान और ध्यान की तैयारी में अनुलोम विलोम प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हमारी ईड़ा पिंगला को संतुलित करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है बहुत इजी है सभी प्राणायाम में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ्ट और न, राइट अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इससे भी हमारी प्राण ऊर्जा संतुलित होती है सर आपसे जानना चाहूंगी जैसे कि आपने बताया कि हम इस तरह से तो अपने प्राण ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं लेकिन जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उस दौरान भी काफी सारे हार्मोन्स का इश्यू होता है हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो मैं उसके बारे में आपसे जानना आ, चाहूंगी कि वहां पर वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा हारमोन चेंज हो रहा है और वहां पर उसके लिए क्या कुछ वो कर सकते हैं यहाँ पर हारमोन पर जाने से पहले हमें हार्ट पे जाना चाहिए चूंकि माँ के गर्भ में एक शिशु का निर्माण हो रहा है एक शरीर का। तो ब्लड की अब ज्यादा जरूरत है ब्लड ज्यादा तो हमारे हार्ट पर इफेक्ट सबसे ज्यादा आता है तो हमारा हार्ट हेल्दी रहे तो हार्ट का फंक्शन जो है वो खुश रहना है तो सभी गर्भवती महिलाओं के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप खुश रहा करें आप खुश रहेंगे तो आपका हार्ट अच्छा काम करेगा लाइफ में कंप्लेन करने की आदत को छोड़ दें जीवन को थोड़ा तो स्वीकार करें जो चीज़ आपको खुशी देती है उसमें अधिक टाइम स्पेंड करें हर परिवार में हर घटना में हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है अरे परिवार में बहुत स, बहुत सदस्य हैं कुछ चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ दें जिससे आपको खुशी मिलती है जो आपके लिए इजी है उसी में हम मेंटली और फिजिकली इन्वॉल्व हों एक तो यह बात ध्यान रखना है खुशी पर ध्यान रखना है आप संगीत सुना करें अपने फेवरेट म्यूजिक को और अगर क्लासिकल म्यूजिक सुने तो और भी अच्छी बात है उसको सुना करें तबले को सुना करें तबले का म्यूजिक प्रेगनेंसी बहुत अच्छा होता है और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हम हार्ट का एक्यूप्रेशर पॉइंट करें एस टी सेवन हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एस टी सेवन एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा है हमारी कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में

इसको अगर हम रेगुलर मसाज करें दोनों हाथों में हार्ट हमारा बाई तरफ होता है इसलिए बाएं हाथ में अधिक फोकस करेंगे लेकिन दोनों हाथों में करना है इसको हम रेगुलर मसाज करें और यहां पर हम लाल रंग लगा सकते हैं आप आलता लगा सकते हैं रेड सैंडलवुड लगा सकते हैं अगर प्राकृतिक कलर में जाना चाहते हैं इजी वे में जाना चाहते हैं तो व्हाइट बोर्ड मार्कर जो किसी भी स्टेशनरी स्टोर पर मिल जाएगा इसको अगर हम अपने कलाई पर लगा लें तीन घंटे से छह घंटे के लिए लगा के रखें तो अच्छे से लगाना है मैं बस सा बताने के लिए मैं लगा रहा हूँ गाढ़ा करके मोटा करके दोनों हाथों में लगाना है मसाज भी करना है दबाना भी है और कलर भी लगाना है तीन घंटे से छः घंटे के लिए जब हम ऐसा करते हैं और इनर्जी लेवल पे ये हार्ट मेरिडियन को एक्टिव करेगा हार्ट को एक्टिव करेगा पहले नाड़ी एक्टिव होगी फिर ऑर्गन एक्टिव होगा और मेंटली फिजिकली हम खुश रहने रहें खुशी वाले चीज़ों पर फोकस करें जो चीज़ हमें पसंद नहीं है जहाँ पे हमें अनिजी होता है उसको हम कुछ महीनों के लिए इग्नोर करें उस टॉपिक पे हम बात ना करें दूसरे फैमिली मेम्बर्स को वो चीज़ें हमें हैंडल करने दें जब हम खुश रहेंगे खुशी वाले चीज़ें करेंगे हार्ट पे काम करेंगे तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहेगा और फिर महिला प्रेग्नेंट महिलाओं में हार्मोन की दिक्कत या दूसरी दिक्कत नहीं होगी कम होगी संभावना कम हो जाएगी और भी ध्यान देना है हमें अपने पैंक्रियाज का ध्यान देना है हमें अपने किडनी का ध्यान देना है पैर में एस्पीसिक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे एंकल से चार अंगुल ऊपर इस एस्पीसिक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें रेगुलर मसाज करना चाहिए इससे हमारा स्प्लीन हमारा लीवर हमारी किडनी तीन ऑर्गन हमारे स्वस्थ रहेंगे दोनों पैर में आराम आराम से प्रेग्नेंट महिलाओं में थोड़ा आराम आराम से करना चाहिए खुद से करें और बार बार करें से भी करवा सकते हैं लेकिन जेंटल वे में करें यहां पर हल्दी लगाकर भी आप रख सकते हैं पॉइंट टी जेंटल वे में बार बार करने का महत्व है फ्रीक्वेंसी का महत्व है कितनी बार हम उस पॉइंट को छूते हैं सिर्फ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को छूते भी हैं तो भी फायदा मिलता है एच टी सेवन एक्यूप्रेशर पॉइंट है अगर छुए भी रहे दबाए भी नहीं तो भी फायदा हो सकता है हाँ दबाने से ज्यादा होगा तो बार बार छूने से बार बार दबाने से ज्यादा फायदा होता है ताकत का प्रेशर का ज्यादा महत्व तो नहीं है बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि जोर के दबाने से एक्यूप्रेशर काम करता है नहीं एक्यूप्रेशर पॉइंट पर टच करने से भी यहां तक कि आप मानसिक अवेयरनेस भी रखें मेंटल अवेयरनेस तो उससे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होते हैं एनर्जी पॉइंट एक्टिव होते हैं क्यों वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज अगर आपका ध्यान एस टी सेवन पे रहेगा अगर आपका ध्यान एस टी सिक्स पर रहेगा तो वो एनर्जी वहाँ की एक्टिव होगी वहाँ की एनर्जी एक्टिव होगी तो आपके शरीर में ब्लड ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा आपके बॉडी में हार्मोन्स नॉर्मल रहेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा सर आपसे जानना चाहूंगी जैसे कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो बेबी के बर्थ के बाद कुछ महिलाओं में समस्या ये देखी जाती है कि, कि उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं बाल बिल्कुल चले ही जाते हैं ऑलमोस्ट तो वो किस कारण से होता है और उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं बाल को आयुर्वेद में कहा गया है अस्थिमल अस्थि का मेटाबोलाइज प्रोडक्ट और जो अस्थि है हड्डी है बोन्स वो हमारी किडनी से जुड़े हुए होते हैं तो हमें बेसिकली किडनी के का केयर करना है जी। ध्यान में हम रेगुलर बैठ सकते हैं ध्यान में बैठने के बाद हमें अपने लास्ट में जब हम ध्यान से जब बाहर आ रहे हैं हम अपनी किडनी पर अटेंशन रखें और भाव करें कि मेरी किडनी में पर्याप्त प्राण ऊर्जा है मेरी किडनी में ढेर सारी प्राण ऊर्जा है जब हम भाव करेंगे तो उससे हमारी किडनी जो है वह चार्ज होने लग जाएगी उसकी ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी हम एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कर सकते हैं अभी हमने पॉइंट देखा उससे भी किडनी को मजबूती मिलेगी कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स से किडनी को मजबूत रखने के लिए हम राजमा का सेवन कर सकते हैं किडनी बीन वो अच्छा होता है किडनी को हेल्दी रखने के लिए हम भोजन में भी मक, मक्के का प्रयोग कर सकते हैं मेज मकई मेज जो है कॉर्न वह हमारे किडनी के लिए लंग के लिए अच्छा होता है किडनी का कनेक्शन हार्ट से है और लंग से है एनर्जी मेडिसिन के फील्ड में किडनी को स्वस्थ रखने के लिए लंग को भी स्वस्थ रखना है और हार्ट को भी स्वस्थ रखना है हार्ट हेल्दी है लंग हेल्दी है तो किडनी हेल्दी रहेगी तो इस तरह से हम किडनी पर काम करें किडनी स्वस्थ रहेगी तो बाल स्वस्थ रहेंगे थायराइड का भी कनेक्शन होता है तो थायराइड को एक्टिव करने के लिए हम डायरेक्ट थायराइड को मसाज कर सकते हैं हम जब को जब मसाज करें तो उससे भी हमारे, हमारे उज्जै प्राणायाम के अभ्यास करने से हमारा एक्टिव होता है किडनी का केयर करें का केयर करें तो बाल ठीक रहेंगे सर इसके साथ ही एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था कि जो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है गर्भावस्था के दौरान तो क्या उस सब का असर जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है क्या उस पर भी पड़ता है बिल्कुल होता है तो फिर उसको किस तरह से ओवरकम तो माँ की गर्भवती महिलाओं की एक 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 मूल जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चे का वो फ्यूचर अच्छा रखना चाहते हैं तो अपना केयर करें बच्चों के भीतर अच्छा रखने के लिए कुछ अलग से ज्यादा नहीं करना है ज्यादा है कि अपना हेल्थ ही हम अच्छा रखें हम खुश रहें हम अपने आप को तनाव नहीं लाने दें हम अपनी नींद को प्रभावित ना करें हम मोबाइल का प्रयोग करना बंद कर दें हम पढ़ना या संगीत सुनना हम ज्यादा शुरू कर दें यहाँ तक कि गर्भवती धारण संस्कार भी बहुत जगह पे होता है कि हम किस तरह से तैयारी और प्लानिंग कर सकते हैं गर्भवती महिलाएं बच्चों में किन गुणों को चाहती हैं उन पर वो मेडिटेट करना कॉन्सनट्रेट करना शुरू कर सकती है वैसे महापुरुष जिनमें उन गुणों का रहा हो हम उनको पढ़ते हुए हम अपने भीतर वो भाव को ला सकते हैं पैदा कर सकते हैं जेनेटिक प्रोग्रामिंग संभव है अगर माँ सजग हो तो अगर माँ मेडिटेशन करती हो तो माँ को ध्यान रखना है अपना और अपना ध्यान रखते हुए ही वो शिशु का ध्यान रख सकती है अलग से कुछ करने की बात नहीं है अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो पेट में पल रहे बच्चे का भी हेल्थ अच्छा रहेगा प्रेगनेंसी होने से पहले बहुत अपना ध्यान रखना है पीरियड साइकिल रेगुलर रहनी चाहिए पीरियड साइकिल 28 दिन की साइकिल होती है और पांच दिन का फ्लो होता है अगर फ्लो कम है तो बहुत महिलाओं को लगता है कि ये तो अच्छी बात है कम झंझट है लेकिन ऐसा नहीं है ये खून की कमी को दर्शा सकता है या दूसरे प्रॉब्लम को बता दर्शा सकता है हिमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल हो तो फिर पाँच दिन का फ्लो ही होना चाहिए हिमोग्लोबिन लेवल को चेक करें अगर हिमोग्लोबिन साढ़े बारह से कम है तो अपने पैर में एस पी फोर एस पी नाइन एस पी टेन इन तीनोंकिर पॉइंट को रेगुलर मसाज करने से और साथ में जूस का सेवन करें हर तरह का जूस हेल्प करता है पीरियड साइकिल अगर गड़बड़ हो तो हाथ में एल यू सेवन एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस एल यू सेवन को मसाज करने से और खासकर दाहिने हाथ में दोनों हाथ में करेंगे लेकिन दाहिने हाथ में विशेषकर कलाई पर अंगूठे की लाइन में ये एलयू सेवन पॉइंट रेगुलर करने से पीरियड साइकिल नॉर्मल होती है 28 दिन साइकिल है छब्बीस है दिन है 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 कभी कम है, कभी कम ज्यादा ये अनहेल्दी सिचुएशन है एल यू सेवन रेगुलर मसाज करें तो पीरियड साइकिल नॉर्मल रहेगी एलयू सेवन को मसाज करने के साथ साथ एस पी सिक्स का ही मसाज करना है एस पी सिक्स हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत कनेक्टेड है बहुत हेल्पफुल है कुछ महिलाएं ओसीपी पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी और बहुत बार यू भी हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं अगर जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने ब्रेन का पीनियल और पिट्यूटरी का तो हमारे हाथ में और हमारे पैर में मैं दो एक पॉइंट बताता हूँ हम जब मुठ्ठी बांधते हैं तो जो हमारा नुकीला हिस्सा बनता है जो पामिस्ट्री में जो हार्ट लाइन है हार्ट लाइन के जस्ट नीचे बेस में यहां पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है एस एस आई थ्री एस आई थ्री एक जब हम रेगुलर कर, मसाज करेंगे दबाएंगे तो ये ओ के इफेक्ट को साइड इफेक्ट को दूर कर देता है और इससे हमारा ब्रेन का जो पीनियल और पिटुटी है वो स्वस्थ रहता है अगर आप चाहते हैं कि मेरा ब्रेन एक्टिव रहे तो आपको एस थ्री मसाज करना चाहिए हमारे पैर में छोटी उंगली के बेस पे बी एल सिक्सटी सिक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फोटो आप ले सकते हैं बी एल और एस आई जो हमारे हाथ पर है दोनों का मसाज रेगुलर करेंगे तो यह भी हमारे हार्मोनल ग्लैंड के प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत हेल्प करता है दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज दो दो मिनट के लिए दिन में तीन से पांच बार करना है और दोनों ही जगह पर आप लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं रेड कलर कलर का ध्यान रखना है कौन सी जगह पे क्या कलर आएगा यहाँ पर एक्टिव करना है ब्रेन को पीनियल और पिट्यूटरी को एक्टिव ही किया जाता है ज्यादातर पीनियल तो हमेशा एक्टिव हो जितना ज्यादा ज्यादा एक्टिव हो उतना अच्छा है मेडिटेशन से कहते हैं कि हमारा पीनियल एक्टिव होता है और पीनियल जब जब एक्टिव होने लग जाए तो मेडिटेशन में होते हैं हमें नॉन फिजिकल एक्सपीरियंसिस होते हैं जो ध्यान में जो बहुत सारे हमारे अनुभव हैं वो हमारे पीनियल ग्लैंड के एक्टिव होने को दर्शाता है तो एस आई थ्री यू बी सिक्सटी सिक्स बी एल सिक्सटी सिक्स एक उसके दो नाम हैं जो पैर के बेस में है इन दोनों का हम मसाज करें वहाँ पे हम लाल रंग लगाएं तो इससे हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा इससे हमारे बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज सॉल्व होंगे इन सभी का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ये सारी जो आपने जानकारी हमें हमारे हमारे साथ साझा की और व्यूअर्स के साथ साझा की मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी काफी सहायता इनसे मिलेगी सर अब आपसे जानना चाहूंगी कि जो आ, हार्मोन्स होते हैं उनका और डाइट का हमारे खान पान का कितना कोरिलेशन होता है <laughs> बहुत कोरिलेशन है बहुत जगह पर अब ये बात समझ में आ रही है कि आज जब पिछले कुछ सालों में कुछ डिकेड में जब फास्ट फूड और जंक फूड का प्रचलन बढ़ा है तो पीसीओडी की समस्याएं हार्मोन की समस्याएं ज्यादा कॉमन होने लग गई है जब दुनिया में फास्ट फूड नहीं था जंक फूड नहीं था रिफाइंड नहीं था हर तरह का प्रोसेस्ड फूड जो भी मशीन में जो भी खाने पीने की चीजें मशीन में बनती हैं, अगर हम उसको खाते हैं तो हमारा शरीर रोग का घर बनता है क्या होता है कि वो जो प्रोसेस्ड फूड है उस प्रोसेसिंग में फाइबर्स नष्ट हो जाते हैं फाइबर्स कंक्लूजन हर में जगह पे फाइबर्स के रूप में जा रहा है फाइबर्स को हिंदी में जिसको बोलेंगे रेशा रेस उसको समझने की जरूरत है फाइबर्स हमारे लिए भोजन में बहुत महत्वपूर्ण है जब भी हम खाना खाते हैं बहुत बार जब हम भोजन करते हैं और हमें संतुष्टि का भाव होता है यहाँ मैंने खाना खा लिया ये संतुष्टि का भाव कहाँ से आता है ये फाइबर की वजह से आता है अगर आपको 1500 कैलोरी मान ली चाहिए आज के लाइफ लाइफस्टाइल में 1500 कैलोरी ही ज़्यादा लोगों को चाहिए तो अगर पंद्रह कैलोरी डायरेक्ट आपको खाने को दे दिया जाए तो आपका मन नहीं मानेगा मन को तो कुछ चबाने को चाहिए कुछ टेस्ट करने को चाहिए कुछ फील होना चाहिए कि हाँ कुछ पेट में गया तो एक तरह से फूड का भी हमें एक तरह से एडिक्शन हो रखा है जो जंक फूड है जंक का हिंदी में अगर हम करें जंक फूड हम बोलते हैं जंक का हिंदी क्या होता है जी? <laughs> हम अपने लाइफ में अगर जंक फूड शब्द के लिए भी सजग होते हैं तो हम उसको नहीं ले पाएंगे लेकिन क्या होता है हम टेस्ट के लिए जाते हैं ये टेस्टी है अरे घर में भी बहुत सारे टेस्टी व्यंजन बनते हैं मैं बिहार का हूँ तो बिहार में घर में बनने वाली चीज़ होती है लिट्टी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसके सामने तो मुझे कोई भी भोजन फीका लगता है तो आ, जो ये टेस्ट की जो आदत है ना ये भी बहुत हद तक हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं अगर हम किसी भी भोजन को शांत मन से करते हैं तो हमें उसमें स्वाद आता है अगर हम जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं तो फिर फास्ट फूड भी हमें ज़्यादा टेस्ट नहीं दे सकता घर का बना भोजन हाइजेनिक होता है घर के बने भोजन में एक प्यार होता है एक सात्विकता होती है जो जंक फूड है जो प्रोसेस्ड फूड है जो बाहर कर रहे हैं वो मनी के लिए है पैसे कमाने के लिए है वो बिजनेस के, के लिए है आपका पेट भरे उस पर फोकस कम है उससे उनको कमाई कितनी हो उस पर फोकस ज्यादा हो तो वो वायब्रेशन उसमें जाते हैं फास्ट फूड खाकर बाहर का खाना खाकर वो तृप्ति नहीं मिल सकती जो घर में भोजन खाकर तृप्ति मिलती है तो घर के भोजन में हम ज्यादा फोकस करें और भोजन में हम फल और सब्जियों का सेवन अधिक करें भोजन के मामले में जो बेसिक फॉर्मूला है बेसिक फंडा है वो बहुत आसान है फल और सब्जियां फल को खाने के लिए पचाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती जो हम आग पर पका हुआ भोजन करते हैं वास्तव में हम आग पर पका पका कर और उसमें मसाले डाल डाल के हम उसको खाने के लिए अपने योग बनाते हैं तो ऐसा भी नहीं मैं नहीं कह रहा हूं कि हम उसको बिल्कुल बंद कर दें वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन प्रोसेस जो आग पर बना हुआ भोजन है उसकी क्वांटिटी कम रखें और जो सब्जियां हैं या फल हैं इसे सब्जियों को भी हम पकाते हैं लेकिन फिर भी वो गेहूं और चावल के व्यंजन से अनाज के व्यंजन से ज्यादा बेहतर है क्योंकि अल्टीमेटली उस, उसे फाइबर्स तो अधिक होते हैं तो हमें जूस पीना चाहिए हमें फल खाना चाहिए हमें स्प्राउट्स लेना चाहिए हमें सलाद खाना चाहिए फल और सलाद से ही हमें अधिक पेट भरना चाहिए बहुत लोग ना भोजन में गिनते हैं कि मैं तो इतनी रोटी खाता हूं जब मेरे पास पेशेंट आते हैं जब मैं ऑनलाइन काउंसलिंग करता हूं कंसल्टेशन करता हूं जब तो भोजन के बारे में मेरी तो भूख सिर्फ दो रोटी की है डॉक्टर साहब अरे भोजन में रोटी में नहीं है आप सब्जी कितनी खाते हैं वो देख सोचिए जितनी सब्जी आप अधिक खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे जितना फल अधिक खाएंगे उतने स्वस्थ आप रहेंगे और आग पर पका हुआ भोजन ले सकते हैं एक बार के लिए हम ले। लेकिन फास्ट फूड प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल ना ले साल में एक बार ले ले, ले तो चलिए ठीक है साल में एक बार नहीं कर सकते चलिए महीने में एक बार ले ले, ले तो ठीक है उससे ज्यादा लेंगे तो स्वास्थ्य तो आपका गड़बड़ होना ही है फिर कोई कुछ नहीं कर सकता अगर महीने में एक से अधिक बार आप फास्ट फूड ले रहे हैं तो फिर हॉस्पिटल जाने के लिए भी तैयार रहिए कभी ना कभी ये मैं ये डरा नहीं रहा हूं ये पैटर्न है हमारे हेल्थ का यही सिद्धांत है आप शरीर में वो चीज डालेंगे जिसके लिए वो नहीं बना है तो वो शरीर का क्या होगा पेट्रोल की गाड़ी में अगर हम डीजल डालेंगे या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा हमारा शरीर फल और सब्जियों के लिए बना है फल और सब्जियां खाकर बहुत सारी सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं भिंडी है गा, मैं जब गांव में था ये भिंडी होती थी भिंडी को पेड़ से तोड़ते थे और यूं ही खा लेते थे बहुत सारी भिंडियों को छोटे छोटी भिंडियों को जो सॉफ्ट होती हैं उनको हम डायरेक्ट खा सकते हैं डायरेक्ट खाते हैं तो भी तो बहुत मजे में पचता है आराम से पचता है तो जब हम डायरेक्ट उसको कच्चा खा सकते हैं तो उसको आग पर प्रोसेस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है चलिए आप स्वाद के लिए कर लें लेकिन कुछ क्वांटिटी आप रॉ कच्चा खाने की की भी रखें लोग तो सब ऐसा भी तो कर सकते हैं ना जैसे कि अभी खाना खाना है हमारा माइंड इस तरह से ट्रेंड है कि रोटी सब्जी खानी खानी है या फिर रोटी, या चावल और दाल खाना ही खाना है तो प्लेटिंग मेथड जो जो आजकल देखा जा रहा है कि एक जो पूरी प्लेट है उसको हाफ में आप सैलेड रख लें फ्रूट सैलेड रख लें या जो भी आपको प्रेफरेबल है आप वो रखें कच्चा भोजन हाँ। और बाकी के जो आधा पोर्शन है उसमें आधे में सब्जी और चावल या रोटी तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग फूड एक्सपर्ट ने अलग अलग परंपराएं प्रॉप्लर की हैं। एक परंपरा यह कहती है कि हम अपने दोपहर दो के भोजन में आधा भोजन 50 भोजन फल का करें और फल में भी वैरायटी के फल या सलाद सलाद अगर उन्हें ब्रेकफास्ट में फल लिया हो तो फिर लंच में सलाद कहते हैं अगर फल आपने नहीं लिया है ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट में आपने जूस लिया है तो आप फल को भी आप लंच के समय ले सकते हैं फिफ्टी परसेंट फल और सलाद ले, आप उससे ज्यादा क्वांटिटी भर ले, और फिफ्टी परसेंट वो खाने के बाद अगर फिर आपका भोजन करने का मन है तो आप पका हुआ भोजन ले। लेकिन एक दूसरा स्कूल कहता है कि आप लंच के समय सिर्फ फल और सलाद ले, या तो फल ले, या सलाद ले, या बदल बदल के कर सकते हैं अगर आपको वैरायटी पसंद है तो तीन तरह के चार तरह के फल और सब्जियां खाएं अगर आप एक से या दो से संतुष्ट हो जाते हैं तो अलग अलग दिन बदल के एक दिन आपने वाटर मिलन लिया एक दिन आपने मैंगो लिया एक दिन आपने खीरा लिया ऐसे बदल बदल के आप फल और सब्जियां ले सकते हैं तो आप अगर बिल्कुल शुरुआती तौर पे हैं, तो आप थोड़ा फिफ्टी परसेंट सलाद से शुरू करें और फिफ्टी परसेंट पका हुआ भोजन आखिर आदत बन जाती है तो सप्ताह में कुछ दिन आप दोपहर में सिर्फ फल या सलाद लें हाँ जो रात का भोजन है उसमें आप सिर्फ पका हुआ भोजन ले सकते हैं और रात का जो भोजन है वो भी सूर्यास्त के आसपास ले लें या जो भी आपके लिए अर्लीस्ट पॉसिबल है उस समय तक ले लें ताकि आपके पेट को एक कंटिन्यूस एक लंबा गैप मिल जाए और बिन जिटिंग की प्रवृत्ति ना रखें कि रात में नींद खुली तो हम कुछ और थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं दूसरों को देखा हम फिर भूख नहीं भी है तो भी दूसरे को देख हम खाने लगते हैं ये आदत पे हमें कंट्रोल पाना है रात में आपने जो सात बजे आठ बजे नौ बजे जब भी आपने कर लिया फिर एक बार आपने अपना भोजन कर लिया तो कर लिया फिर दूसरों कर रहे हैं तो ठीक है उनको करने दीजिए जो ही नहीं है कि दूसरों को देखकर भोजन करना है अगर घर में रखा है तो करना ही करना है आप एक बार रात में आपने कर लिया तो उसके बाद आप पंद्रह घंटे का सोलह घंटे का गैप देकर जिसको हम फास्टिंग कहते हैं अधिक से अधिक दिन फास्टिंग किया करें शुरुआत में आप कम से कम तीन दिन के लिए ऐसा प्रैक्टिस करें कि रात के के जो भोजन घंटे के, के बाद घंटे के बाद मुझे कुछ खाना है अगर आपने रात में नौ बजे भोजन किया तो अगले दिन बारह बजे से पहले मैं कुछ नहीं खाऊंगी अगर आप ऐसा डिसाइड करते हैं तो यह भी आपको हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है पहले सप्ताह में तीन दिन से शुरुआत करें जब आपकी आदत बन जाए तो सप्ताह में पांच दिन करें सप्ताह में सातों दिन आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं तो ये बहुत हेल्प करता है हमें कम खाना है बहुत लोग जरूरत से अधिक भोजन कर रहे हैं और भोजन को चबा चबा के करना है भोजन को निगले नहीं मोबाइल देखते हुए भोजन मत करें नहीं तो फिर आप उसको स्वाद नहीं ले पाएंगे और स्वाद अगर हम नहीं लेंगे तो हम तृप्ति महसूस नहीं करेंगे और तृप्ति महसूस नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा खाएंगे अगर हम चबा चबा के खाते हैं तो थोड़ा सा भोजन भी आपको एक संतुष्टि का का फीलिंग दे सकता है असंतुष्टि का फीलिंग देगा तो फिर खाना बंद हो जाएगा संतुष्टि नहीं हुई है तो हम एक्स्ट्रा खाते हैं बहुत खाने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती है कारण जानिएगा आपने उससे चबा चबा के नहीं खाया आपने होशपूर्ण होकर नहीं खाया आप विचारों में उलझे हुए हैं मोबाइल में उलझे हुए हैं और टीवी में को देखते रहे हैं और भोजन कर रहे हैं भोजन को एक पूजा की तरह करें पूजा के समय सिर्फ पूजा करते हैं पूरे डिवोशन के साथ करते हैं अरे दिन में दो बार तो भोजन करना है एक बार तो हम पका हुआ भोजन कर रहे हैं अगर आप बिल्कुल नियम का फॉलो करें तो तो प्रेम से करें पूरे ध्यान से करें पंद्रह मिनट बाद अगर आप मोबाइल देख लेंगे तो क्या हो जाएगा हम भोजन को डिवोशन के साथ करेंगे तो हम पूरी ऊर्जा ले पाएंगे साथ ही साथ हमें पानी को और भोजन को चार्ज करना चाहिए आप चाहते हैं मेरे हार्मोन ठीक रहे पानी को आप मैसेज देकर भेजिए कि भीतर जाना तो मेरे हार्मोन को हील करना मेरे हार्मोन ग्लैंड को हील करना एक मिनट की प्रार्थना करें पहले आप पानी को थैंक यू बोलें आंख बंद करके थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाकर वाटर के ऊपर विजुलाइज करें कि उसमें दिव्य ऊर्जा उतर रही है उसमें दिव्य ऊर्जा बह रही है जिससे क्रिस्टल चमकता है वैसे ये पानी भी चमक रहा है दिव्य ऊर्जा से और ये भाव करें कि ये पानी को पीने से मेरा शरीर पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा मेरे शरीर के सभी हार्मोनल ग्लैंड संतुलित हो जाएंगे सिर्फ एक मिनट आपको लगेगा या बहुत अच्छे से करेंगे तो आधे मिनट में भी हो जाएगा पानी को चार्ज करके जूस को चार्ज करके लिया करें तो यह भी आपको हीलिंग में बहुत हेल्प करेगा हमारे पास मौके बहुत सारे हैं हम होश में रहते हैं उन तो तो मौकों को हम यूज कर पाते हैं बेहोश रहते हैं तो मौके को गवा देते हैं हर पानी पीते समय हर जूस पीते समय आपको अपने आप को चार्ज करने का मौका है भोजन में ध्यान दो दे में ध्यान दें कम भोजन करें गैप दिया करें पंद्रह घंटे का घर का शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन प्लांट फूड फाइबर वाला फूड और प्राण रिच प्राण ऊर्जा से भरा हुआ फूड ले आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आज आपने इतने सारे जो मेरे मन में भी जो सवाल थे हार्मोन्स को लेकर उसको लेकर भी आपने, आपने बड़ा ही आ... संतोषजनक जवाब दिए और मुझे लगता है कि जो आपने जवाब दिया अगर उन चीजों को और उन सॉल्यूशंस को अपने जीवन में उतारा जाए तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हार्मोनल इश्यूज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे लगता है कि सॉल्व जरूर होंगी तो आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने भी इन सभी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना होगा चाहे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर ध्यान देना हो या फिर हीलिंग मेथड या फिर पानी को चार्ज करके और भोजन को चार्ज करके लेने की बात हो तो इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का लेकिन अगले एपिसोड में आपसे फिर से होगी मुलाकात लेकिन जा, जाने से पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अहम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका धन्यवाद जी तो दर्शकों इसी के साथ इस एपिसोड में तो इतना ही लेकिन यदि आपका कोई सवाल है हार्मोन से रिलेटेड या हारमोन के अलावा आपकी बीमारी से रिलेटेड भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप हमें भेज सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेजें और उस सवाल का जवाब डॉक्टर साहब देंगे डॉक्टर से पूछो के क्यू एन ए सेशन में यानी कि हर शुक्रवार को तो दर्शकों इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे आज्ञा लेने का जाते जाते मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देती हूँ को जब भी, भी आप सवाल भेजें सबसे पहले आपका नाम मेंशन करें उसके बाद आपकी उम्र मेंशन करें उम्र के बाद आप कहा से बिलोंग करते हैं आपके शहर का नाम और आपके स्टेट का नाम जरूर मेंशन करें उसके बाद जो भी भी आपको बीमारी है वो वो करें एक से ज्यादा बीमारियां हैं तो भी आप बादशन कर सकते हैं लेकिन सबसे पुरानी बीमारी जो है उसको सबसे पहले मेंशन करें उसके बाद जो बीमारियां लगी हैं वो क्रम बदतरा से मेंशन करें तो के साथ अब लेती आपसे आज्ञा आप बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल नमस्कार